तो हे गाइस, वेलकम बैक मलेटिक के यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बेज 99 के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखिए और चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेज 99 क्यों इतने देर तक वीडियो नहीं अपलोड किया उनके चैनल पर, तो छोटा सा क्लिप आप लोग देख लीजिए। जिंदगी में स्वागत किया था दिल खोल के, दूर भाग गई थी हमसे फकीर बोल के। अभी आते हैं मैसेज उसके, बोलती है कोलैबोरेशन कर लो प्लीज बोल के। लगभग 21 डेज रेस्ट बताया है, तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। कुछ सीरियस नहीं है, हाँ, पर थोड़ा टाइम मांग रही है ठीक होने के लिए। वापस से मुझे फॉर्म में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब क्या करें यार, आपको पता ही है बैज भाई को धरती हिलानी पड़ती है, तो धरती भी हिलानी है, कहर भी ढाना है, बहुत कुछ काम बाकी है। आई नो थोड़ा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। पता नहीं यार अचानक से कैसी तबीयत खराब हुई। मैं पूरा ठीक था, मैं रात को सोया और अगली सुबह देखा मुझे जुकाम लग गया, ठंडा कोल्ड लग गया था। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा बहुत कोल्ड है, शायद आप लोग मेरी आवाज़ में पहचान रहे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा नॉर्मल कोल्ड लग गया होगा तो ठीक हो जाएगा एक दिन में, पर वो ठीक नहीं हुआ। नेक्स्ट डे और ज़्यादा हो गया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने चेकअप करा और उसके बाद और ही सीन वहाँ पे निकल गया था, जिसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस वजह से इतने दिन तक मैं इनएक्टिव था। आई नो यू गाइज आर मिसिंग मी अ लॉट, इवन आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट रिकवर्ड एज सून एज पॉसिबल गाइज। वैसे इस वक्त जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास एक बहुत पुराना लैपटॉप है, बट आई डोंट नो कि उसमें वीडियो एडिट हो पाएगी या नहीं। अगर हो जाएगी तो मैं ट्राई करूँ कि वीक में 2-3 वीडियोज तो आ ही जाए। अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए मत भूलिए।